तो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है पेट्स केयर में। वो आप देख रहे हैं पेट्स केयर। आज का टॉपिक होने वाला है गाइस, कबूतर को कोई सी बीमारी हो, चाहे वो सूखे में आ रहा हूँ, चाहे उसे बुखार हो रहा हो, चाहे उसे दस्त लग रहे हो, उल्टी कर रहा हो, उसकी आँख आ रही हो, बस आपको ये गोली खिलानी है जो हम आपको बताएंगे कैसे बनती है। उसे तीन दिन तक आपको 3 दिन के अंदर ही फ़र्क दिखाई देगा कि ये कबूतर मेरा ठीक हो रहा है। ये पीछे कबूतर बैठे पड़ेंगे गाइस। कई कबूतर मैंने अपने खुद के ठीक करे हैं, जिसकी आँख आई थी तो और बीमारियाँ भी हो रही थी। चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं कि मैंने कौन कौन से कबूतर ठीक करे हैं अपनी उसी दवाई से। वो ऑल इन वन दवाई है, कुछ भी हो रहा हो बस सुबह शाम दो गोली खिलानी है। आप इसे भी हमने ठीक करा है अपनी दवाई से। कितना मस्त कबूतर देख सकते हो भाई साहब। मुझे गाइस ये कबूतर है और इसकी भी आँख हमने ठीक की है, पूरी तरीके से एकदम अच्छे से आँख ठीक हो गई है इसकी। दोनों तरफ की आँख आप देख सकते हैं, पूरे एकदम अच्छी तरीके से आँख ठीक हो गई है दोनों आँख। आप कबूतर एक और दिखाते हैं जिसकी हमने आँख ठीक करी है, छोड़ देते हैं। इस कबूतरी की भी आँख आई हुई थी, इस कबूतरी की भी आँख आई हुई थी, बहुत गंदी तरीके से इसकी आँख आई थी और इसकी हड्डी भी आ रही थी। ये हड्डी है और ये कबूतरी हड्डी भी आ रही थी और सुस्त भी बैठती थी, 3 बीमारी थी इसके गाइस। तो वो हमने उसी दवा से ठीक किया जो आप हम आपको बता रहे हैं। कबूतरी आप देखिए, आप एकदम बढ़िया हो गई है, मस्त जैनमैन क्या खा रही है, इसका इलाज चल रहा है इस टाइम। बहुत गंदी आँख आ रही है इसकी, वहाँ से वही गोली खिला रहे हैं। चलो भाई, ये रहे अपने कबूतर मजे में। देखो इसकी हड्डी भी आ रही है कबूतर की, देखिए भाई कितनी गंदी हड्डी आ रही है इसकी। देखिए तो दोस्तों, आपको ये दवाई बनाने के लिए जितनी भी दवाइयाँ चाहिए वो मैं आपको सबकी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। गैस, मैंने आपको इन 7 की आपको इन सभी स्क्रीन शॉट दिखाए थे, इन 7 टैबलेट्स के। तो मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट के आपको एक ही गोली गिरनी है, ओनडेक्स MD के आपको सिर्फ एक टैबलेट गिरनी है, क्योंकि ये उल्टी की होती है। और ये 4 टैबलेट्स हैं, इनकी आपको 2-2 गोली गिरनी, सिर्फ 2-2 गोली, और इनकी आपको 4-4 गोली गिरनी है। जो इन सी शॉट थे उन पर लिखा हुआ भी था कि कौन सी दवाई कितनी टैबलेट गिरनी है, ठीक है गाइस। और ये न्यूरोबिन फोर्ट है, ये अलग से ईवियन, ये तो आप जानती है कौन सी दवाई है। क्या बोला तूने? ये तो आप जानती है कौन सी दवाई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये हमारे लिए 2 DS टैबलेट्स, ये भी आपको गिरनी है, इन सबको मिक्स करना है। चलो करते हैं। ये मतलब कूटने के लिए अपना ये ले लिया है गाइस, तोड़ने के लिए अपने कूटने के लिए ये ले लिया है। इससे हम कूटेंगे अपने में, इससे कूटेंगे चलिए।
सो ये गाइस ये पिक के एकदम पीस के एकदम बारीक हो चुका है, बारीक हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बारीक बारीक। और जितना आपकी दवाई है गाइस उसी हिसाब से आपको अपना आटा रखना है, थोड़ा सा आटा देना है जितनी दवाई है, और इन दोनों को सारे गाइस मिक्स करना है। चलो तो पानी घूम के मैं देखो मिक्स कर रहे हैं, जितनी दवाई पिस्ट होएगी उतना ही आटा गिरना है। गाइस देख सकते हैं ये सब मिक्स हो चुका है इस टाइम। तो गाइस अब अपनी इवन भी बोली रह गई थी जो हमने नहीं गेरी थी, क्योंकि ये लिक्विड होती है इसलिए हमने पहले नहीं गेरी थी, क्योंकि अब से लास्ट में गेरेंगे आटे में सुन के बाद। गाइस आपको थोड़ा पानी भी लेना है, जिस बर्तन में आपने दवाई को कूटा हो उसमें ही पानी लेके पहले से डाले, जिससे दवाई बच गई होगी वो मिक्स हो जाएगी। जैसे आटा मारते हैं उस तरह से आपको भी मिक्स कर लेना है। कोई उसे मारने में दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ा सा आटा गोल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस हमने सबको एक दो बनाकर तैयार कर लिया है सबका, अब इन सबको आपको छोटी छोटी गोली बनानी है। आपको कुछ इस तरीके से इनके छोटे छोटे गोली बना लेनी है। तो गाइस आपको कुछ इस तरीके की गोलियां बना लेनी है, बहुत सारी गोली बन जाएंगी इससे, करीबन एक बार के डो के आटे से कम 150 गोलियां बन जाती है। गाइस इन तरह की छोटी छोटी गोलियाँ बना के आपको सुखा कर रख लेनी है, उस सुखा कर रखने के बाद आप इन्हें किसी भी डब्बी में रख सकते हैं और अपने कबूतरों को दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको अगर आपको और केयर की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेट्स केयर को, और वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले।